नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। आपके साथ मैं सलमा खानम रूबरू कराते हैं आपको क्षेत्र के ताजा हाल से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी बिड़ला कॉलेज एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी ने लिया नामांकन वापस। एबीवीपी के ऋषभ संघी हुए निर्विरोध निर्वाचित। भवानी मंडी के एनएसयूआई प्रत्याशी ने की एबीवीपी की सदस्यता ग्रहण। झालावाड़ में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में की सदस्यता ग्रहण। छात्र संघ चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन दिखी गहमा गहमी। पिड़ावा के राजकीय महाविद्यालय के दोनों दलों ने प्राचार्य को कराई आपत्ति दर्ज। भवानी मंडी आरपीएफ पुलिस ने दिखाई सतर्कता। ट्रेन में छूटा पर्स के यात्री के सुपुर्द। डग कस्बे सहित क्षेत्र में हर्षोल्लास से मनाया रक्षाबंधन पर्व। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांध लिया रक्षा का संकल्प। अकलेरा में हर्षोल्लास के साथ हुई विशाल पदयात्रा आरंभ। क्षेत्र के विधायक कंवरलाल मीणा के नेतृत्व में हुआ आयोजन। पुलिस उप अधीक्षक व सुरक्षा कर्मियों को बांधी राखी। भवानी मंडी के महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष की अगुवाई में बांधे रक्षा सूत्र। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। भवानी मंडी के राजकीय बिड़ला महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी ऋषभ संघी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मदनलाल वर्मा ने इसे दबाव की राजनीति बताते हुए सत्ता का दुरुपयोग करना बताया। महाविद्यालय चुनाव प्रभारी दीनबंधु त्यागी ने बताया कि सोमवार को 2 बजे तक नाम वापसी का समय था। इस बीच एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी कृष्ण पाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे ऋषभ संघी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं उपाध्यक्ष, महासचिव व संयुक्त सचिव पदों पर चुनाव होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रभारी प्रदीप जैन आवर ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर दिलीप सिंह, महासचिव आयुषी खंडेलवाल, संयुक्त सचिव अनु गुजर व एनएसयूआई की ओर से उपाध्यक्ष बलराज जयपुरी, महासचिव रजत सोनी व संयुक्त सचिव पद के लिए शिवानी मीणा चुनाव मैदान में है। बस अध्यक्ष पद का कृष्ण पाल जो लड़का है वो अपने कृष्ण पाल सिंह अपने कागज लेके आया और उसने नामांकन पत्र वापस लेने के लिए पूरे निर्वाचन मंडल के सामने आवेदन करा। हमने उससे पूछा भाई आप पे निर्वाचन अपना जो नाम वापस लेने का किसी तरह का कोई दबाव या कोई डर या कोई भय ऐसी तो कोई बात नहीं है? उसने कहा नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से ही नामांकन वापस ले रहा हूँ। अभी उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होने बाकी है, तो इनके लिए क्या रणनीति है अपने पदों के लिए मतदान? टोटल छात्र संघ में 4 प्रमुख पदों का चुनाव होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव। अध्यक्ष पद पर क्योंकि एक ही कैंडिडेट रह गया उस पर चुनाव नहीं होगा, और बाकी जो 3 उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पर जो चुनाव होना है उसकी हम अगली तैयारी में लग गए हैं और मतपत्र वगैरह छपाने के लिए मॉडल वगैरह तैयार कर रहे हैं, और सारा चुनाव मंडल और अन्य स्टाफ का जो सदस्य हैं वो सब इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और कोई कार्यकर्ता की ऐसी कोई खबर तो नहीं है ताकि वो जीतने वाली या फिर नाम वापस लेने की? यहाँ बाजार की खबरों और अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 11 बजे से 2 बजे तक का नाम वापस लेने का समय था। पूरा कॉलेज, पूरा चुनाव मंडल चुनाव कार्यालय में उपस्थित था, पुलिस भी मौजूद थी और वीडियोग्राफी भी उसकी सब करा ली गई है। बाजार में क्या खबरें चल रही, क्या अफवाह चल रही, उससे कॉलेज अनुशासन और चुनाव अनुशासन के कार्य पर उसका कोई संबंध नहीं। एनएसयूआई प्रत्याशी कृष्ण पाल ने एबीवीपी छात्र संघ प्रत्याशी ऋषभ संघी के समर्थन में अपना नामांकन वापस लेकर झालावाड़ में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में एबीवीपी की सदस्यता ग्रहण की।
इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन, संसदीय सचिव नरेंद्र नागर, विधायक रामचंद्र सोनालीवाल, पालिका उपाध्यक्ष विनय पौरवाल, मंडल अध्यक्ष सुनेश दीक्षित, पालिका पूर्व अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, ग्रामीण अध्यक्ष राकेश गुप्ता बिलवाड़ी आदि मौजूद थे। कोई बात नहीं, आ जाएगा, अरे इसकी चालू कर लेना। नामांकन वापस लेने का यही कारण रहा है कि मेरे घर वाले, मेरे पापा और सभी महारानी साहब और राजा साहब और विधायक साहब जी के साथ ही रहते हैं, और मैं पूरी एबीवीपी को आज समर्थन देता हूँ, और मुझे विद्यार्थी परिषद के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य देखने को मिला है, उसी को लेके मैंने कॉलेज के अंदर कमी कुछ है, लेकिन पीजी कॉलेज बनाया गया है, बहुत सारे कार्य करवाए गए वसुंधरा राजे सिंधिया जी की तरफ से, उसी कारण से मैंने मंदिर की आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका जो मैनिफेस्टो है, क्या 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 करना चाहते हैं? पहली बात तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्य संदीप जी भाई था, हिमांशु भाई था, सभी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। सामान्य कार्यकर्ता के नाम पर मुझे टिकट मिला, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि सभी मेरे साथ लगे, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं इन सभी को भाई साहबों को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बात ये विद्यार्थी परिषद में कॉलेज में बहुत समय से नियमित क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, हम जल्दी से जल्दी नियमित क्लास स्टार्ट करवाएंगे। बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसके लिए हम निरंतर 365 दिन कार्य करते हैं और करते रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा अपने संगठन के प्रति काम करता है और करता रहेगा। कॉलेज में कोई भी समस्या होगी, हम उसके लिए निराकरण करेंगे। पिडावा के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2018 में नाम वापसी के अंतिम दिन गहमागहमी देखने को मिली। पिडावा में कॉलेज चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन NSUI व ABVP द्वारा किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, लेकिन दोनों ही दलों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध प्राचार्य सूर्य प्रकाश को आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिसमें आवेदन के समय बाहरी लोगों व जनप्रतिनिधियों को साथ में उपस्थित रखने का आरोप लगाया, जिस पर प्राचार्य ने एक जांच कमेटी गठित कर 2 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस पर पिडावा सहित रायपुर थाने का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में पावनधाम मंदिर से विधायक कमललाल मीणा के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा का आयोजन हर्षोल्लास ढोल नगाड़ों के साथ आरंभ हुआ। वहीं पदयात्रियों के हाथों में भगवा ध्वज लहरा रहे थे। भाजपा मंडल अध्यक्ष अनूप गौतम ने बताया कि मनोहर थाना क्षेत्र विधायक कमललाल मीणा के नेतृत्व में हजारों की तादाद में मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के गांव ठाणियों के लोग अकलेरा कस्बे से पदयात्रा के लिए कामखेड़ा बालाजी धाम रवाना होने पर सभी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पदयात्रा के साथ साथ बाइक वाहन रैली भगवा ध्वज के साथ पदयात्रा के पीछे चल रही थी। मनोहर थाना के सभी मंडलों के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने अकलेरा और कामखेड़ा सड़क मार्ग के बीच जगह जगह मनोहर थाना विधायक कंवरलाल मीणा का बैंड बाजे ढोल आतिशबाजी के साथ साफा बंधवा कर कार्यकर्ताओं ने फल फ्रूट केला श्रीफल आदि चीज़ों से विधायक को तोला। पदयात्रा करते विधायक कामखेड़ा बालाजी धाम पर पहुंचे, जहां पर विद्वान आचार्य पंडितों द्वारा हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना की। इस दौरान मीणा ने चांदी का मुकुट व लाल ध्वजा बालाजी के चरणों में चढ़ाकर महाआरती की। महाआरती के बाद विधायक मीणा ने कहा कि बालाजी महाराज के इस पावन पवित्र तीर्थ स्थल पर किसानों की अच्छी पैदावार, अच्छी बारिश आदि को लेकर बालाजी महाराज से प्रार्थना की। इस मौके पर मनोहर थाना विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष व युवा कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। विधायक कंवरलाल मीणा की यह पदयात्रा 5वीं पदयात्रा है। आराम लगता है, इजी लगता है, और कार्यकर्ताओं का जोश और भक्ति भावना की भाव से लिपटते हुए सब कामखेड़ा दरबार में ढोक लगाने आए हैं, और ढोक लगा के सब कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया है उनसे चरणों में यह ढोक देके कहा है कि विधानसभा क्षेत्र मनोरथाना में शानदार बरसात हो, शानदार पैदा हो, शानदार विकास हो, शानदार
स्वास्थ्य हमारे सब लोगों का रहे, किसानों को बहुत ज़्यादा पैदावार हो, अच्छी इनकम हो, और माननीय वसुंधरा जी फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, सब लोग देखे सबने का। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। भवानी मंडी में जयपुर चेन्नई यात्री गाड़ी में रविवार रात रामगंज मंडी निवासी दंपत्ति का 15,000 रुपये की राशि व चांदी के सामान से भरा पर्स गाड़ी में छूट गया। सूचना के बाद भवानी मंडी RPF पुलिस ने पर्स गाड़ी से निकालकर पर्स के मालिक को सुपुर्द किया। प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि रामगंज मंडी निवासी अंकित बंसल पत्नी सहित जयपुर चेन्नई यात्री गाड़ी से सवाई माधोपुर से रामगंज मंडी आ रहे थे। रामगंज मंडी पहुंचने पर 4 बैग उतार लिए, लेकिन उनकी पत्नी का पर्स गाड़ी में छूट गया, जिसकी सूचना भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर दी गई, जहाँ पर पुलिस ने पर्स को उतार कर सोमवार सुबह अंकित बंसल को सुपुर्द कर दिया। भवानी मंडी जिला महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे की अगुवाई में पुलिस उप अधीक्षक व सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधी। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे ने बताया कि इस दौरान पुलिस कर्मियों को राखी, रक्षा सूत्र बांधकर नारी सुरक्षा की बात कही। इस दौरान कविता बसवाल, मीना पवार, सीमा टेलर, नीतू मीणा, अंजू, निशा पांडे आदि मौजूद थे। डग कस्बे और क्षेत्र में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रक्षा का संकल्प लिया, तथा कस्बे में स्वच्छता के लिए अलग जगह रहे विष्णु भारतेश ने एक राखी शहीदों के लिए अभियान चलाकर शहीदों के लिए भारत माता को राखी बंधवाई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर होंगे हाजिर कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।